हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। फ्रेंड्स, आज मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी। तो पिज़्ज़ा हर घर में हर लोग इसको पसंद करते हैं, छोटे से बड़े तक लोग ये इसको बहुत पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज पैन पिज़्ज़ा बनाकर दिखाऊंगी। इसको आराम से आप बिना माइक्रोवेव के भी बना सकते हैं। तो सब पिज़्ज़ा के लिए हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे। तो ये देखिए, अपने डो बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ये देखें, ये मैंने 2 कप मैदा लिया है। तो ये हम 2 कप मैदा इसमें डालेंगे। ये बेकिंग पाउडर है, तो हम इसमें देखो इतना हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये बेकिंग सोडा है, इतना हम बेकिंग सोडा डालेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। ये पाउडर शुगर है, ये हम 1/2 चम्मच इसमें ये डालेंगे। ये दही है, हम इसको मिलाएंगे। पहले इसको मिला के अच्छे से मिलाएंगे, फिर हम इसमें दही डालेंगे। ये खट्टा दही है, हमें खट्टा दही चाहिए, इससे खमीर अच्छा उठ जाएगा। इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, ये इतना ऑयल डालेंगे। अब हम इसको मिलाएंगे। ये हमने सारी चीज़ें मिला ली हैं, अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदेंगे। इसको हमें बहुत सॉफ्ट डो तैयार करना है। ये देखिए, हमने डो तैयार कर लिया है। अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे, जिससे इसका खमीर तैयार हो जाएगा, फिर हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो रेडी है। ये इसका देखो, इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि इसका खमीर अच्छे से उठ गया है। तो इसमें हमारे 2 पिज़्ज़ा तैयार हो जाएंगे। तो अब हम देखो आपको पिज़्ज़ा बनाकर दिखाएंगे। हम इस तरह से थोड़ा सा सूखा आटा लेके इसका आधा निकालेंगे। देखिए, ये हम इसको इतना मोटा रखेंगे। फिर अब थोड़ा सा सूखा मैदा डाल के फिर हम इसको बेलेंगे। ये देखें, हमने बेल लिया है एकदम गोल। अब हम इसको साइड साइड से ऐसे करेंगे, एकदम गोल शेप देनी है। अब हम फॉर्क की अब हम इसको साइड से इस तरह से अंदर थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे मोड़ेंगे। ये देखें, थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं। अब हम फॉर्क से इसमें होल करेंगे, जिसे हमारा ये पिज़्ज़ा फूले नहीं। अगर ये फूल गया तो ये इसका बेस कच्चा रह जाएगा। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे आराम से। अब हम अपना पैन तैयार गरम करेंगे। ये पैन हमने रख दिया है, ये गरम हो गया है। अब हम इसमें ये बेस डालेंगे, इसको सेकेंगे पैन पे।
जब एक साइड में सिक जाएगा इसको फिर हम पलटेंगे। ये एक साइड से सिक गया है, अब हम इसको पलटेंगे इस तरह से। ये देखिए अब हम पिज्जा के ऊपर ये पिज्जा सॉस टॉपिंग लगाएंगे। ये देखिए गैस का फ्लेम हम सिम कर देंगे, इसके ऊपर इस तरह से टॉपिंग लगाएंगे। ये टॉपिंग लगा दिया है हमने, अब हम इसमें इसके ऊपर ये थोड़ा मेयोनीज लगाएंगे। मेयोनीज लगाने से ये अंदर से थोड़ा सा क्रीमी बनेगा। इसको चम्मच से थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर ये वेजिटेबल रखेंगे। ये देखें जैसे ये लाल शिमला मिर्च हैं, ये मैंने लंबी बारीक काटी हुई हैं। ये पीली शिमला मिर्च हैं, ये हरी शिमला मिर्च हैं, ये टमाटर हैं लाल टमाटर, ये प्याज है और ये कॉर्न है। ये मैंने बॉईल कर लिया और ये सारी चीज़ें डालेंगे थोड़ी थोड़ी। मोज़रेला चीज़ है ये फ्रेंड्स, हम इसमें डालेंगे पिज्जा के ऊपर। पहले हम इसको इस तरह से कस लेंगे। अब हम इसके ऊपर चीज डालेंगे इस तरह से। अब हम इसको मीडियम स्लो पे इसको ढककर पैन को 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा पिज्जा बन गया है। ये देखिए अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। देखिए अब हम इसमें ये पिज़्ज़ा हाफ डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हो पिसी हुई, इसके अंदर सब कुछ है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा एकदम परफेक्ट पिज़्ज़ा बना है। ये देखिए ऊपर नीचे से एकदम क्रिस्पी बना है हमारा पिज्जा। अब हम इसको काट के दिखाएंगे आपको। ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए ये कितना अच्छा बना है पिज्जा। आप प्लीज इसको घर में बनाने की कोशिश करना, ये बहुत अच्छा बनता है। जरूरी नहीं है कि ये माइक्रोवेव में ही बने, ये आप इसको घर में पैन में भी ट्राई कर सकते हैं। और देखिए आपके सामने है, बड़ी इजीली तरीके से बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। थैंक यू फ्रेंड्स।